हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। क्लास 9 से क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ा न्यूज है। सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है 9 से लेकर के 12 तक एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए। चलिए आज मैं इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट किए। उन्होंने लिखे कि कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिसलाइज सिलेबस अप टू 30% बाय रिटेनिंग द कोर कॉन्सेप्ट। सिलेबस को 30% रिड्यूस किया गया है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट को ज्यों रखा गया है। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो एजुकेशनिस्ट के द्वारा सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए सजेशन मांगे थे और उसमें करीब करीब 1500 एजुकेशनिस्ट के द्वारा सजेशन दिया गया और उस सजेशन के आधार पर सिलेबस को रिड्यूस किया है। सीबीएसई हेडक्वार्टर के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया सीबीएसई ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। कक्षा 9वीं 12वीं का पाठ्यक्रम घटाया गया, 9वीं से लेकर के 12वीं तक का पाठ्यक्रम को घटाया गया है। यहाँ पर फिर एक और ट्वीट आया, सीबीएसई ब्रिंग्स बिग रिस्पाइट स्टूडेंट्स, रिड्यूसेस सिलेबस फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को, मैथमेटिक्स में से किस किस चैप्टर को डिलीट किया गया है, किस किस चैप्टर को यहाँ पर रिमूव किया गया है, या कौन कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। तो ये आप कहाँ से देख सकते हैं, मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। रिवाइज सिलेबस देखने के लिए आपको सीबीएसई के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये सीबीएसई का वेबसाइट है, यहाँ पर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, खोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिवाइज करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। रिवाइज करिकुलम यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें से दो कैटेगरी है, रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम जो 9th और 10th के लिए है और रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम जो 11th और 12th के लिए है। सबसे मैं पहले बात करता हूँ 11th और 12th का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक आ रहा है करिकुलम डिडक्शन डिटेल। मैं इस पर जाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का एक पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में लिखा हुआ डिलीटेड पोर्शन मैथमेटिक्स क्लास 11th का। तो क्लास 11th में कौन कौन सा डिलीट किया गया पोर्शन को उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में सेट और फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेट्स की बात करें तो सेट में डिफरेंस ऑफ सेट्स अब आपको नहीं पढ़ना है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, इसको डिलीट कर दिया गया, ये दो टॉपिक को सेट्स में। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ फंक्शंस को डिलीट कर दिया गया है। अब फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट को नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर बात करें तो जनरल सॉल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में जो जनरल सॉल्यूशन था उसको अब नहीं पढ़ना है, उसको डिलीट कर दिया गया है। यूनिट टू में अलजेब्रा में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, डिलीट फुल चैप्टर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अब नहीं पढ़ना है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दो टॉपिक को डिलीट किया गया है। लीनियर इनइक्वालिटीज में पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें कोई हेर फेर नहीं किया गया है, यहाँ पर कोई भी पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया है। परमिटेशन ऑफ कम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो डेरिवेशन जो है वो एनपीआर और एनसीआर का, उसको डिलीट कर दिया गया है। अब एनपीआर और एनसीआर को जो फॉर्मूला ड्राइव करते थे उसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, उसको डिलीट कर दिया गया है। बायनोमियल थ्योरम में बात करें तो डिलीट फुल चैप्टर, ये पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। अगर सिक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो जो फार्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स सिग्मा के स्क्वायर और सिग्मा के क्यू, ये जो फार्मूला हम लोग ड्राइव करते थे वो अब नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये अब नहीं पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इसको नहीं पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन की बात करें तो ये पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन एंड ये पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज ए डिजेनरेटेड केस ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, इसको नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, इसको पूरा पढ़ना है। कैलकुलस जो यूनिट फोर में है, लिमिट और डेरिवेटिव्स, इसको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग में पूरा चैप्टर को डिलीट, फुल चैप्टर, पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं देखता हूँ स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंस वेरियंस, इसको डिलीट किया गया है। प्रोबेबिलिटी में एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी कनेक्शन विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेज, इसको डिलीट किया गया है।
तो ये हुआ क्लास 11 का। और अगर हम लोग क्लास 12 पर जाते हैं तो क्लास 12 में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन अब ये नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं पढ़ना है। अलजेब्रा की बात करें तो मैट्रिक्स में देखते हैं कि कौन सा टॉपिक को डिलीट किया गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, इस चीज को नहीं पढ़ना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, इसको नहीं पढ़ना है। प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, इसको पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को डिलीट कर दिया गया है। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, इसको डिलीट किया गया है। यूनिट थर्ड में अगर कैलकुलस की बात करें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में रॉल्स एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, इसको नहीं पढ़ना है। रॉल्स एंड लैग्रांजेज थ्योरम को डिलीट किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्डेज यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, इसको नहीं पढ़ना है। इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल में इंटीग्रेशन में इस टाइप का, ये दो टाइप का इंटीग्रेशन है, इसको नहीं पढ़ना है। और डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, इसको नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें तो एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव सेड कर्व्स, इसको नहीं पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, इसको नहीं पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई आर कॉन्स्टेंट, इसको नहीं पढ़ना है, जो लीनियर इक्वेशन का एक पार्ट है। और फिर अगर बात करें वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स नहीं पढ़ना है। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस टू प्लेन्स, ये लाइन एंड ये प्लेन, इसको नहीं पढ़ना है, तो इसको डिलीट किया गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम अनबाउंडेड, ये डिलीट किया गया है। प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेबस भी मिल जाएगा जिसको आपको पढ़ना है, मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रिवाइज एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप ए में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रिवाइज एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप्स ए में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। जैसे आप अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो रिवाइज मैथमेटिक्स सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रिवाइज मैथमेटिक्स सिलेबस मिल जाएगा। मैं अभी जो बता रहा था वो डिलीटेड पोर्शन के बारे में बात कर रहा था। अगर क्लास 9th और क्लास 10th की बात करें और उसका रिवाइज करिकुलम देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे रिवाइज मेन सब्जेक्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर रिवाइज मैथमेटिक्स, रिवाइज साइंस, रिवाइज सोशल साइंस, इसका आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर करिकुलम डिडक्शन डिटेल पर जाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक को डिलीट किया गया है ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ और डिलीटेड मैथमेटिक्स पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके का एक आएगा, पीडीएफ खुल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज जो है वो कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है, टॉपिक्स रिमूव यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर चैप्टर लिखा हुआ है। तो ये क्लास 9th का है। और अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लास 10th भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्लास 10th है यहाँ पर। तो क्लास 10th में भी अगर जैसे रियल नंबर की बात करें तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। पॉलीनोमियल्स में अगर बात करें तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स, इसको डिलीट किया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को डिलीट किया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको डिलीट किया गया। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम इनटू एन टर्म्स, उसको डिलीट किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिलीट कर दिया गया है। ज्योमेट्री में भी कुछ टॉपिक को ट्राइंगल में, सर्कल में और कंस्ट्रक्शन में भी कुछ डिलीट किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ डिलीट किया गया, मेंसुरेशन में। तो ये आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा सीबीएसई का, जो ये लिंक जो खुल रहा है इस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। कोर टॉपिक को लगभग रखा गया है, बाकी 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, डिलीट किया गया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, क्लास 9 से क्लास 12 के लिए।
और ये काम किया गया है जो अभी कोरोना वायरस का COVID-19 का जो दौर चल रहा है, जिसके कारण स्कूल का वगैरह सभी बंद है, स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित है, उसके कारण ये सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो आप इस सिलेबस को बढ़िया से देख लें और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को करें। और मुझे लगता है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे दिया हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पूरी जानकारी आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स की जानकारी दूंगा आपको। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा क्या डिलीट किया गया है, क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।